गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हेट्रो स्टोरी के बारे में, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सी हैबिट के बारे में। आपके सेकंड यूनिट का जो टॉपिक है ये हेट्रो स्टोरी, ठीक। ये सेकंड यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक है हेट्रो स्टोरी। और इसके पहले हम ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में और आपका सीड हैबिट के बारे में ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। ये सेकंड यूनिट का आपका लास्ट चैप्टर है, वो है आपका हेट्रोस्पोरी। तो सबसे पहले जानेंगे कि हेट्रोस्पोरी होता क्या है, ठीक। फिर जानेंगे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ हेट्रोस्पोरी का, फिर कितने एविडेंसेस मिले हेट्रोस्पोरी के लिए, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले कॉर्टिकल एविडेंसेस है हमारे पास, डेवलपमेंट एविडेंसेस है एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है। वन बाय वन हम इन सारे एविडेंसेस की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हेट्रोस्पोरी जो है वो होता क्या है, क्या होता है हेट्रोस्पोरी, इसके बारे में जानेंगे। सॉरी, तो स्पोरें एक जाति की स्पोरेंजिया में दो भिन्न भिन्न साइज के स्पोर्स का निर्माण होना क्या कहलाता है, हेट्रोस्पोरी कहलाता है। तो डेफिनेशन हमारी क्या हो गई कि एक जाति के स्पोरेंजिया में दो भिन्न भिन्न जाति या साइज के स्पोर्स का निर्माण होना हेट्रोस्पोरी कहलाता है, तथा वह पौधों हेट्रोस्पोरस कहलाता, तथा ऐसा पौधा जिसमें एक ही जाति की स्पोरेंजिया में अलग अलग स्पोर्स का निर्माण होता है, अलग स्पोर्स का निर्माण होता है, उसको हम हेट्रोस्पोरी कहते हैं, तथा जिस पौधे पर होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस कहलाता है, ठीक। टेरिडोफाइटा समूह के स्लेजिनेला, आइसोएट्स, मार्सिलिया, साल्विनिया आदि जीनस में हेट्रोस्पोरी पाए जाते हैं। जो हम क्या पढ़ रहे थे, सेकंड यूनिट हमारी टेरिडोफाइटा है, और उसमें हम टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो जीनस आते हैं, जैसे आपके स्लेजिनेला हो गया, और मार्सिलिया हो गया आदि के जो जीनस हैं उनमें जो है हेट्रोस्पोरी पाया जाता है, ठीक। इनमें बड़े आकार के स्पोर्स को मेगा स्पोर्स तथा छोटे आकार के स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। स्पोर की साइज में यह भिन्नता सेक्सुअली होती है, जो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर होते हैं वो इनमें जो भिन्नता रहती है वो सेक्सुअली रहती है, ठीक। माइक्रो स्पोर अंकुरण करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, तथा एंथीरोजॉइट तथा आर्किगोनिया बनाते हैं। स्पोर्स जो रहते हैं मेगा और माइक्रो स्पोर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग रहते हैं। जैसे कि हेट्रोस्पोरी में पाई जाती है अलग अलग स्पोर के आकार रहते हैं, स्पोर की साइज में यह भिन्नता सेक्सुअली होती है। माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, कौन कौन से दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और एक बनता है मेगा स्पोर। जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, जो माइक्रोस्पोर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथीलिया, और मेगा स्पोर को आर्किगोनिया, ठीक है। तो हेट्रोस्पोर की हम हेट्रोस्पोरी को हमने कैसे जाना कि एक ही प्लांट्स के स्पोरेंजिया पर जो स्पोर की साइज है वो अलग अलग होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरी कहते हैं। और ये क्यों होती है, ये जो आपकी फीमेल और मेल उसमें अलग अलग रहती है स्पोर्स में, ठीक है, उसी की भिन्नता के कारण होती है। और जैसे कि टेरिडोफाइटा है उसकी कई जीनस हैं, स्लेजिनेला, आइसोटॉप, मार्सिलिया आदि में जो है हेट्रोस्पोरी की प्रोसेस जो है वो पाई जाती है। यदि हम बात करें कि ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी, मतलब इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो कहाँ से हुई है हेट्रोस्पोरी की, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में यह माना जाता है कि यह स्पोर्स के नष्ट होने तथा शेष स्पोर के उत्तम पोषण के कारण होता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, कि इसकी उत्पत्ति के बारे में यह माना जाता है कि स्पोर्स के नष्ट होने, पहले तो स्पोर्स नष्ट होता है और जो बचा हुआ स्पोर्स रहता है उसके उत्तम पोषण के कारण होती है, ठीक है। कई जगह पे क्या हो जाता है, स्पोर्स नष्ट हो जाता है लेकिन जो बचा हुआ स्पोर रहता है, जो नष्ट नहीं हुआ होता है, उस स्पोर को क्या मिलता है, उत्तम प्रकार का पोषण मिलता है, जिससे क्या होता है, ये कंडीशन जो है हेट्रोस्पोरी की पैदा उत्पन्न होती है। आधुनिक काल में प्रोफेसर
बोइबेल एवं प्रोफेसर स्टॉक ने हेट्रोस्पोरी के ओरिजिन में हट्रीशन को ही आधार माना है, जो आधार माना है आधुनिक वैज्ञानिकों ने। उन्होंने हेट्रोस्पोरी में किसको आधार माना है, उनके न्यूट्रिशन को, मतलब जो स्पोर्स नष्ट हो जाता है तो उसको तो कोई न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो बचा हुआ स्पोर रहता है उसमें जो न्यूट्रिशन रहता है, उत्तम पोषण उसको मिलता है, इसलिए इनमें क्या होती है, वो अलग अलग आकार के स्पोरेंजिया जो है उनका निर्माण करते हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी हेट्रोस्पोरी का मुख्य कारण क्या माना है, आपका न्यूट्रिशन, मतलब पोषक तत्वों के आधार पर ही इनमें जो है वो अलग अलग जो है वो स्पोरेंजिया में स्पोर्स का निर्माण होता है। यदि हम बात करें पौधों में हेट्रोस्पोरी के निम्न प्रमाण हैं, एविडेंसेस हैं, मैंने जैसे कि बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो पौधे हैं उनमें कई प्रकार के प्रमाण, कई प्रकार के एविडेंसेस आए हैं कि किस प्रकार से जो प्लांट्स हैं, किस प्रकार से जो स्पोर्स हैं, वो क्या करते हैं, हेट्रोस्पोरी को दर्शित करते हैं। तो सबसे पहला हमारा था पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेस, डेवलपमेंट एविडेंसेस और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।